बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम है हमारे पास 7.3.1। एक्स एंड टाउ हमारे पास एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है और हमने प्रूव करना है इसके तहत 1, 2 एंड 3 तीन प्रॉपर्टीज़ हमने जो है वो सेटिस्फाई करवानी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एम्प्टी सेट एंड एक्स जो है वो दोनों क्लोज्ड है। हमने शो करना है कि टाउ के अंदर जो एक्स और एम्प्टी सेट होते हैं हमारे पास क्लोज सेट्स है। अब कोई भी सेट कब क्लोज्ड होता है? कोई भी सेट उस वक्त क्लोज होता है जब उसका कम्प्लीमेंट ओपन हो। इसका मतलब है कि जब हमने इन एम्प्टी सेट और एक्स को क्लोज्ड शो करना है तो हमने इनके कम्प्लीमेंट्स को ओपन शो करना है। अब इसको क्लोज शो करने के लिए हमने इसका कम्प्लीमेंट लिया। फाई का कम्प्लीमेंट आपके पास एक्स है। अब इसका कम्प्लीमेंट एक्स है और हम जानते हैं कि एक्स जो है वो टा के अंदर मौजूद है। जब एक्स टा के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब एक्स जो है वो आपके पास एक ओपन सेट है। एक्स ओपन सेट है तो एक्स जिसके बराबर है कम्प्लीमेंट ऑफ फाई, तो एक्स जो है आपके ये फिर कम्प्लीमेंट ऑफ फाई इसका मतलब ओपन हो गया, वो ओपन हो गया है। और जिस सेट का कम्प्लीमेंट ओपन हो जाए वो सेट इट सेल्फ क्या हो जाता है? क्लोज्ड। तो फाई आपके पास क्लोज्ड हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है आपने एक्स को क्लोज शो करना है। एक्स को क्लोज्ड करने के लिए आप क्या करेंगे? एक्स का कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। एक्स का कम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट है और हम जानते हैं एम्प्टी सेट टा का मेंबर है। टा का मेंबर है और टा के मेंबर्स आपके पास ओपन सेट्स हैं, जिसका मतलब फाई ओपन है। फाई ओपन है तो फाई जिसके बराबर है वो ओपन हुआ। फाई किसके बराबर है? एक्स के कम्प्लीमेंट के बराबर है। एक्स के कम्प्लीमेंट के बराबर है तो एक्स का कम्प्लीमेंट ओपन सेट है। एक्स कम्प्लीमेंट ओपन सेट है और जिस सेट का कम्प्लीमेंट ओपन हो वो सेट खुद क्या हो जाता है? क्लोज्ड। तो एक्स आपके पास क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या शो करना है? यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। आपने क्या शो करना है कि फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स उनकी जो यूनियन होती है वो आपके पास क्लोज्ड होती है। जबकि जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन है वहाँ क्या है? यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स। जब ओपन सेट्स की यूनियन की बात आनी है तो एनी नंबर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, और जब क्लोज सेट्स की बात आनी है तो यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स। ठीक है जी। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। उसके लिए हमने एक कलेक्शन ले ली एक्स, ये आपके पास एक्स अल्फा है। अल्फा वेरीज फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू एन। इसका मत ये हमने एक कलेक्शन ली है क्लोज सेट्स की। बी अ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। अब ये एक्स अल्फा को अगर मैं ओपन करके लिखूँ, एक्स अल्फा की बारी बारी में वैल्यू दूँ, ये इंडेक्स है आपके पास 1, x1, x2, x3, xn। इसका मतलब मैंने एन जो हैं वो क्लोज सेट्स लिए हैं, एन क्लोज सेट्स की कलेक्शन ले ली है। ठीक है जी। लिखा समझ आ जाएगा अब आपको नोट से। मैंने क्लोज सेट्स की कलेक्शन ले ली है। अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि ये जो मैंने कलेक्शन ली है क्लोज सेट्स की, इनकी जब मैं यूनियन करूं तो ये दोबारा एक क्लोज सेट बन जाए। इस कलेक्शन की जो यूनियन है, इन क्लोज सेट्स की फाइनाइट जो यूनियन है, फाइनाइट नंबर ऑफ है क्लोज सेट्स, ये आपने बहुत ध्यान से याद रखना है कि जब आपने क्लोज सेट्स की यूनियन लेनी है तो वो फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स। अब मैंने क्या किया है, ये जो कलेक्शन ली थी मैंने फाइनाइट, इसके हर मेंबर का मैंने कम्प्लीमेंट ले लिया है। इनके कम्प्लीमेंट्स क्लोज सेट्स हैं, क्लोज सेट्स के कम्प्लीमेंट जो हैं वो ओपन होते हैं। कोई भी सेट कब क्लोज होता है? जब इसका कम्प्लीमेंट ओपन हो। इसका कम्प्लीमेंट ओपन हो गया, कम्प्लीमेंट ओपन हो गया है तो ये दरअसल मैंने क्या किया है, इस सेट में मौजूद हर सेट का अलग अलग कम्प्लीमेंट है। एक्स वन का कम्प्लीमेंट, एक्स टू का कम्प्लीमेंट, तो ये ऐसे बना है आपके पास। ये जो सेट था ना, इसके हर मेंबर का अलग अलग कम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे आपके पास ओपन सेट्स हैं। अगर ये ओपन सेट्स हैं तो हम जानते हैं कि ओपन सेट्स की जो फाइनाइट कलेक्शन होती है उसकी इंटरसेक्शन भी ओपन होती है। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है जी। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट, अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 टू n, इसका मतलब फाइनाइट है।
इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये हम जानते हैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन के तहत। डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास क्या है कि कंप्लीमेंट्स के दरमियान अगर इंटरसेक्शन हो तो वो इंडिविजुअल सेट से इंटरसेक्शन उठ के होल पे आ जाती है, आपके पास कंप्लीमेंट आ जाता है और अंदर फिर यूनियन आ जाती है। तो ये जो इंटरसेक्शन थी और इस सेट में इंडिविजुअल्स के ऊपर कंप्लीमेंट था, जब ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होगी तो कंप्लीमेंट जो है वो होल यूनियन पे आ जाएगा। तो ये सारी यूनियन का कंप्लीमेंट है, ठीक है। अब इसको हमने कहा है कि ये ओपन सेट है, ये आपके पास ओपन सेट है तो इसका मतलब है कि ये जो कंप्लीमेंट है ये ओपन हो गया है, यूनियन का कंप्लीमेंट जो है वो ओपन सेट हो गया। यूनियन का कंप्लीमेंट ओपन सेट है, और जिस सेट का कंप्लीमेंट जो है ओपन हो, जिस सेट का कंप्लीमेंट ओपन सेट हो, वो सेट खुद जो है क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। और यही हमने शो करना था कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, अल्फ़ा जो है 1 से n तक वेरी कर रहा है, तो यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। नेक्स्ट आपने थर्ड वन क्या शो करना है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ, तो ये मैंने कलेक्शन ली है बी, एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई अल्फ़ा पे कि वो फाइनाइट है कि नहीं, ये फाइनाइट हो भी सकता है और ये नहीं। जो सिग्मा है वो आपके पास इंडेक्स्ड सेट है, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फिनिट भी। अगर ये फाइनाइट होगा तो आपके पास कलेक्शन फाइनाइट हो जाएगी, और अगर इंडेक्स्ड सेट जहाँ से आपने सेट्स को इंडेक्सिंग देनी है, x1 x2 x3 करना है, अगर वो आपके पास इन्फिनिट सेट है तो ये कलेक्शन भी इन्फिनिट हो जाएगी। यानी कि अगर सिग्मा जो है 1 से लेके n तक है तो अल्फ़ा भी 1 से लेके n तक होगा और कलेक्शन क्या हो जाएगी, x1 x2 x3 अप टू xn। और अगर सिग्मा जो है आपके पास इन्फिनिट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू इन्फिनिट तक जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू इन्फिनिट तक जाएगी तो ये कलेक्शन भी आपके पास इन्फिनिट हो जाएगी। तो ये कलेक्शन फाइनाइट भी हो सकती है, इन्फिनिट भी हो सकती है। हमने ये क्लोज सेट्स की कलेक्शन ली थी, क्लोज सेट्स की कलेक्शन ली है हमने, तो इसका मतलब है हमारे पास जब हम इन सेट्स के कंप्लीमेंट्स लेंगे तो वो कंप्लीमेंट्स क्या हो जाएंगे, ओपन। तो इनके कंप्लीमेंट्स की जो कलेक्शन होगी वो ओपन सेट्स की कलेक्शन होगी, तो ये आपके पास ओपन सेट्स की कलेक्शन है, ये ओपन सेट्स की कलेक्शन है, तो मैं इनकी यूनियन लेने लगी हूँ। अब ये जो यूनियन है ये भी ओपन सेट होगी, क्यों ओपन सेट होगी, इसलिए ओपन सेट होगी बेटा क्योंकि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो इनकी जो यूनियन है आपके पास, अब इस यूनियन को मैं इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करने लगी हूँ विद द हेल्प ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है और जो इंडिविजुअल्स पर कंप्लीमेंट्स हैं वो होल पे कंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी ये यूनियन अगर आपके पास ओपन है तो इसका मतलब है कि ये सारा कंप्लीमेंट ओपन है, ये सारा कंप्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब है कि जिस सेट का कंप्लीमेंट ओपन हो वो सेट क्लोज्ड हो जाता है, तो ये सेट आपके पास क्लोज्ड हो गया। अब ये क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर, सॉरी हाँ जी, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, और यही हमने प्रूव करना था।